नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। दरभंगा जिला स्थित समारा नाले के जिला अधिकारी कार्यालय में नव पदस्थापित जिला अधिकारी श्री राजीव रोशन ने पदभार ग्रहण करते हुए जिले की कमान संभाली है। वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर त्याग राजन SM द्वारा विधिवत तरीके से नए जिला अधिकारी को पदभार ग्रहण करवाया गया। बता दें कि जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा पुष्पगुच्छ एवं मिथिला परंपरा अनुसार पाक चादर से सम्मानित किया गया। तो वहीं नए एवं पुराने DM के साथ जिले के सभी आला अधिकारी के समक्ष अंबेडकर सभागार में परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें जिले के आयुक्त मनीष कुमार सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे और सभी ने नए DM को दरभंगा एवं मिथिलांचल में स्वागत किया। तो वहीं नम आंखों से DM डॉक्टर त्यागराजन SM को विदाई दी। इस दौरान डॉक्टर त्यागराजन SM ने सभी मिथिलांचल वासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमें यहाँ बहुत प्यार, सम्मान एवं सहयोग मिला है, जिस कारण हमारे पूरे कार्यकाल में कहीं भी किसी भी तरह की कठिनाइयां सामने नहीं आ सकी, जिसको लेकर पूरे जिले वासियों का सदा आभारी रहूंगा। तो वही दरभंगा के नए DM राजीव रोशन ने कहा कि जिले के विकास के लिए जो भी उचित कार्य होगा और सरकार का आदेश होगा, उस कार्य को पूरी लगन एवं मेहनत के साथ जिले की जनता के सहयोग से पूर्ण किया जाएगा। वहीं कोरोना को लेकर कोई पूछे गए सवाल के जवाब में DM ने कहा कि ओमिक्रॉन जैसे खतरे से बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी और इसके लिए जो भी उचित कार्य होगा उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और लोगों को इस महामारी से बचाने का कार्य किया जाएगा। देखिए, मिथिला रीजन में जो दरभंगा में मुझे पदस्थापन मिला है, उस समय से मैं देख रहा हूँ लोगों का जो सहयोग है और प्यार है वो बहुत ज़्यादा से मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा मिला है, जो मैंने अपेक्षा भी नहीं किया। और हर काम में लोगों का सहयोग मिला है। कई सारे चुनौतियों को हम लोगों ने फेस किया है और यहाँ के लोगों से मैंने ज़्यादा सीखा कि किस प्रकार वो लोग हर साल बाढ़ को झेलते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं, आगे सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। लोगों से भी मैंने बहुत सीखा। और यहाँ आप लोग जानते हैं कि दरभंगा मिथिला की नगरी है और यहाँ के विकास के लिए जो निवर्तमान जिला पदाधिकारी द्वारा प्रयास किया गया है, हम सब लोग उसको जारी रखेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सब लोग मिलके जिले के सारे लोगों की भलाई के लिए, उनके विकास के लिए जो कार्य होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। कोविड के लिए सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी कि हम बचाव के जितने प्रयास हैं उसको अपनाएं, लोगों में जागृति आए, जागरूकता आए कि जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका शीघ्र पालन करें। हम लोग जानते हैं कि जो नया वेरिएंट है उसके संक्रमण की गति काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हम लोग उसी गति से उसके बचाव के मार्ग अपनाएंगे। साथ ही जो भी इलाज की प्रक्रिया है उसके लिए जो तैयारी है उसको हम लोग और बेहतर करते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयास करें। इसी तरह की छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।